खमा घनसा। तो आज है डे टू और हम सब जा रहे हैं गंगा घाट पे, गंगा मैया के दर्शन भी करने और नहाने भी। तो आगे वीडियो में बने रहेंगे। तो हम सब अमर मुनि धाम से निकल के ऑटो में बैठ गए थे और हम जा रहे थे भीमगोड़ा। जो ऑटो से जाते हैं तो ऑटो से सही भी पड़ता है, हमें यहाँ से बाहर निकलते ही ऑटो मिल जाता है धाम से। तो हम सब ऑटो में बैठ के भीमगोड़ा जा रहे थे। और ये हरिद्वार की गलियाँ हैं, मार्केट है, पूरा मेन रोड है। और सुबह सुबह का ये नज़ारा है। उसके बाद हम भीमगोड़ा पहुँच गए हैं और कितना सुंदर नज़ारा है, इतनी भीड़ सुबह भी 5:30 बजे। तो हम पहुँच चुके हैं भीमगोड़ा हर की पौड़ी जाने के लिए। तो यहाँ से हम पैदल जाएंगे, आगे रिक्शा नहीं जाते हैं। और सुबह अब 6 बजने वाली है, 6 बजे का नज़ारा है ये। और यहाँ से रिक्शा जाता नहीं है, तो बच्चों के लिए हमने साइकिल रिक्शा कर ली थी। तो बच्चों को सबको उसमें बिठा के आगे हर की पौड़ी तक ले जाते हैं। फिर हम नहा के वापस धाम आ गए थे। और आज था राम जन्मोत्सव, तो उसके लिए जो थीम थी वो रेड रखी गई थी। तो यहाँ पे रेड बलून से पूरा डेकोरेशन हो रहा था बहुत ही सुंदर तरीके से। राम जी सूर्यवंशी थे और उनकी लाली माँ की जो कलर है उसकी वजह से रेड थीम रखी गई थी। और हम सब ने भी रेड ड्रेस पहना था। तो फिर राम का शुरू हो गया और बहुत ही सुंदर अच्छा डेकोरेशन। वो तो डिमांड करेगा मनो भी चाहिए, मनो भी चाहिए। जिस प्रकार एक साधक मंदिर में जाकर प्रकटे अखिल लोक विश्राम सिया राम जी का जन्म हो चुका है और हम सब खुशी में नाच रहे हैं। और फिर आगे केक भी काटा गया था, जो केक बनाया गया था वो बहुत ही सुंदर था। वो मिठाई, फ्रूट्स और क्रीम, चेरी, इन सब से बनाया गया था और बहुत ही सुंदर नज़ारा। और यहाँ पे हम सब मिलके राम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो इसका आनंद ही अलग है। राम जी के आगमन की खुशी ही अलग होती है और सब हम झूम के इसमें डांस कर रहे थे। इसके आगे जब केक काटा गया था ये उसकी फोटो है जिसमें केक काट रहे हैं राम जी। तो राजा दशरथ और कौशल्या जी के यहाँ पे राम का जन्म हो चुका था। तो हम सब ये आगे वाली सारी पिक्चर्स हैं जो आप देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खमा गणेश।